राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान राम ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब चले गए, हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। तो वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहीं रघुबीरा। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर, आई गय उस हनुमान जिमि करुणा मह बीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है, मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा हुआ है मुझ पे, हनुमान जी को निकालने का और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न। जैसे ही सबने उसकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राम प्रभु। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और मैं जानती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद ही कहते हो कि प्रति उपकार करो को तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या मुश्किल है प्रभु। राम जी ने कहा, सीते कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। सीते हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे, इनकी जब नारी मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांगी अगम्य जीवारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना, मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी कुछ मांग लो। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने कहा, हनुमान
सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया है। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा से बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हैं ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं दो पद मांग लूं तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी की भी ठीक है। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिनमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान को तो बस यही दो पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राम जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूं उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से उरण हम नाही, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले ले हनुमान जी से उरण नहीं हो सकते। आनंद ही आनंद। जय बजरंगबली, जय श्री राम। धन्यवाद।